आज के वचनों में हम संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनेंगे। आज के पवित्र सुसमाचार के दो भाग हैं, लेकिन मनन के लिए हम लोग आज के सुसमाचार का पहला भाग ही लेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पसेंगे 21 से लेकर। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणियां नहीं की? आपका नाम लेकर आप दूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो सुसमाचार का जो प्रथम भाग हमने सुना, ये बहुत ही एक प्रकार के चुनौतीपूर्ण है और उससे ज्यादा शायद भयानक भी है, क्योंकि हम प्रभु प्रभु पुकार तो रहे हैं, प्रभु को पुकारते हैं और अभी भी प्रभु को पुकार रहे हैं, और उन तमाम चीजों के बाद में अगर हमारी मृत्यु हो जाती और हम स्वर्ग के द्वार जाकर खटखटाते और प्रभु हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो, तो हमारी क्या हाल होगी? मनन करने का विषय है, क्योंकि हम भी प्रभु के नाम पुकार पुकारते रहे हैं, और इतना तक प्रभु ने वचनों में कहा गया है, बहुत सारे लोग मेरे नाम लेकर भविष्यवाणियां करेंगे और उससे भी ज्यादा लोग बड़े चमत्कार दिखाएंगे, अपदूतों को निकालेंगे। उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। बड़े भयावक शब्द है ये, कम से कम मेरे लिए, इसलिए क्योंकि मैं प्रभु के नाम पर अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया हूं। उसके बाद भी अगर प्रभु मुझसे कहे कि कुकर्मी, तुम दूर हट जा, दिल टूट जाएगा, कसम से। खैर, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज से ही प्रभु हम सबको एक बात बताना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम प्रभु के सामने कितने समय गुजारते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने कितने आवाज से प्रभु को पुकारा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कितने अपदूतों को निकाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कितना चमत्कार दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कितनी भविष्यवाणियां की है। कुछ भी मेरी आत्मरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी आत्मा के बचाव के लिए यह कोई काम नहीं आने वाला है, प्रभु ने साफ साफ वचनों में कहा गया है। तो प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना यही चाहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। मेरी आत्मा की मुक्ति बपतिस्मा ग्रहण करने से गारंटीड नहीं है, जैसे हमारे कुछ कुछ पासवान कहकर कहते हैं कि यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, you have to be rebaptized to enter into the kingdom of God.
यहां से बताना चाहूंगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह बड़ी चेतावनी के रूप में आया है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, बहुत सारे अवधूतों को निकाला, अनेक भविष्यवाणियां की, उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों को नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। कहीं कहीं पर हमें ऐसी चीजों को देखने से आजकल कि प्रभु का यह वचन जो है बिल्कुल साफ सुनाई पड़ता है। जब लोग धर्म को धंधा बनाते हैं, विशेषकर इन परिप्रेक्ष्य में जब प्रभु की आशीष के लिए बोलियां लगती है, तो प्रभु अवश्य उन सबों से कहेंगे जरूर, रे कुकर्मियों दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। धर्म को कभी धंधा नहीं बनाया जा सकता है, आशीष के लिए बोलियां नहीं लग सकती हैं। अगर प्रभु से है, वह दिल खोलकर सबको देता है। अगर कोई कहे कि प्रभु की आशीष के लिए 25,000 रुपए की जरूरत लगेगी, मैं कह सकता हूं यह व्यक्ति ईश्वर से नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्म को या आशीष को या इस प्रकार प्रभु के कोई भी वरदान को बोली लगाते हैं, प्राइस टैग लगाते हैं, वो व्यक्ति ईश्वर से नहीं है। कान खोलकर सुन ले। प्रभु के इस उपस्थिति में मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति धर्म के साथ में धंधा करता है, प्रभु की आशीष के लिए बोली लगाते हैं, वो ईश्वर से नहीं है। प्रभु उनको यही बताना चाहेंगे कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। आपकी आत्मा की रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं, और उसके लिए एक ही कारण है, एक ही रास्ता है, पिता के वचनों को जाने और उनके वचनों को हमारे जीवन में उतारें। प्रभु का पिता का क्या वचन है? पुत्र है उनका वचन। पुत्र को जाने, उनको हमारे जीवन में उतारे। प्रभु को जाने, उनको हमारे जीवन में उतारे। प्रभु को हमारे जीवन में उतारने का क्या मतलब होता है? प्रभु ने सिर्फ एक पाठ इस दुनिया को सिखाए हैं, कान खोलकर सुन ले, प्रेम करें। जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु का नहीं है, जो प्रेम नहीं कर पाता वो प्रभु का नहीं है। जो सहजता से एक दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेम का संबंध नहीं बढ़ा पाता वो ईश्वर का व्यक्ति नहीं है। पिता के वचन को जाने, पिता का वचन पुत्र है, पुत्र का कारण, पुत्र का जीवन, पुत्र का पुत्र की शिक्षा प्रेम से जीने का है। वही बात प्रभु हम सबको सिखाते हैं। आगे के वचनों में जो मैं आज पढ़ा नहीं, इस प्रकार लिखा गया है, जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको आह्वान करता है, हम भी हमारा घर मकान चट्टान पर बनाएं। वो अवश्य आप बनाते ही है, बालू में कोई घर नहीं बनाता है। वो तब तक अपने बिल्डिंग को ले जाता है जहां पर चट्टान या मतलब उस प्रकार की भूमि मिलती है। लेकिन अगर आप विशेष रूप से स्पिरिचुअल लाइफ के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को स्थापित करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार आज के 24वां वचन में कहा गया है, हम उस पर कान दे, जो मेरे बातों को सुनता और उन पर चलता है वही समझदार मनुष्य के समान है
जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, प्रभु के वचनों पे अपना घर बनाए, प्रभु के वचनों पर हमारी आशियाना बनाए, और वह प्रेम है। प्रेम पर हमारा घर बनाए, प्रेम पर हमारी आशियाना बनाए, और प्रेम से हमारी जिंदगी को गुजारे। अन्यथा रे को कर्मियों मुझसे दूर हटो, प्रभु हमसे भी कहेंगे। आमीन।